गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग डीएलएड सेकंड ईयर यस साइंस यूनिट 4 में परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोजेक्ट मेथड क्या है तो हम काफी पहले बुलेट पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। परियोजना विधि का अर्थ, परियोजना विधि का अर्थ मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, पहला टॉपिक हमारा पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट डिफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि की परिभाषाएं। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, परियोजना पद्धति के चरण, स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। चौथा पॉइंट हमारा यह रहेगा, परियोजना पद्धति के आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। पांचवा पॉइंट हमारा रहेगा, परियोजना पद्धति के गुण, मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। छठा रहेगा हम लोगों का, परियोजना पद्धति के दोष, डीमेरिट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। इसके बाद हम लोग जो है अब आते हैं पॉइंट वाइज समझते हैं इसको। पहले जानते हैं परियोजना विधि है क्या। परियोजना पहला पॉइंट है, परियोजना विधि का मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। इस विधि का विकास अमेरिका में हुआ था। सर्वप्रथम परियोजना विधि के प्रणेता जो है जॉन डेवी महोदय थे, और परियोजना विधि शिक्षा दर्शन की जो है एक प्रमुख विचारधारा है। परियोजना विधि शिक्षा दर्शन की एक प्रमुख विचारधारा प्रयोजनवाद पर आधारित है। इस विधि के जन्मदाता W.H. Kilpatrick महोदय थे। W.H. Kilpatrick महोदय को जॉन डेवी का शिष्य माना जाता था। परियोजना विधि में बालक अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने विचारने का अवसर प्राप्त होता है तथा उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं दूसरा पॉइंट, परियोजना विधि की भूमिका। दूसरा पॉइंट है हमारा परियोजना विधि की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। उसमें स्टीवेसन महोदय के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। इंग्लिश में इसको आप कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट इज ए प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरिंग टू कंप्लीशन इट्स नेचुरल सेटिंग। पार्कर महोदय के अनुसार दूसरी डिफिनेशन है, यह क्रिया की एक इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। पार्कर महोदय क्या कहा है, यह क्रिया की एक इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन है, ए प्रोजेक्ट इज ए यूनिट ऑफ एक्टिविटी इन विच पीपल्स आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड प्रपोजिंग। दूसरी डिफिनेशन है हमारी किलपैट्रिक महोदय के अनुसार, डिफिनेशन है किलपैट्रिक महोदय के अनुसार प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन
लिए भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। बिलाल महोदय ने कहा क्या कहा है, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का लिए भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है परियोजना वित्तीय चरण, स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड में पहला पॉइंट है कार्यक्रम, कार्यक्रम हमें क्या कैसे करना है। दूसरा कार्यक्रम है परिस्थिति प्रदान करना, प्रोविजन ऑफ सिचुएशन। तीसरा पॉइंट है क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन। चौथा पॉइंट है योजना के उद्देश्य एवं चयन, सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। पांचवा पॉइंट है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। छठा पॉइंट है कार्य, रिकवरी। परियोजना के चरण में छह पॉइंट हम लोगों को जानना है। भाई प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हमको ये छह पॉइंट जान लेना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट है कार्यक्रम प्लानिंग। प्लानिंग परियोजना की सफलता व असफलता इस पर निर्भर करती है। शिक्षक को वाद विवाद के माध्यम से योजना के विभिन्न पक्षों से संबंधित कार्यक्रम सुचारू रूप से बना लेना चाहिए। योजना के विभिन्न, योजना जो है वाद विवाद के माध्यम से योजना के विभिन्न पक्षों से संबंधित कार्यक्रम सुचारू रूप से बना लेना चाहिए। उसी के अनुसार दायित्व का विभाजन करना चाहिए, जो जिस दायित्व को पूरा कर सके उसी हिसाब से दायित्व का विभाजन करना चाहिए। कार्यक्रम क्या है, परियोजना की सफलता व असफलता इस पद पर निर्भर करती है। शिक्षक को वाद विवाद के माध्यम से योजना के विभिन्न पक्षों से संबंधित कार्यक्रम सुचारू रूप से बना लेना चाहिए, उसी के अनुसार दायित्व का जो है विभाजन करना चाहिए। पहला पॉइंट बड़ा हो गया, दूसरा पॉइंट क्या, तीसरे पॉइंट से आते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर जो है बच्चों को मार्गदर्शन।
छात्र की योग्यता प्रकृति रुचि एवं क्षमता के अनुरूप उसे दायित्व दिया जाना चाहिए। जैसी उसकी क्षमता है उस हिसाब से उसको दायित्व दिया जाए जिसमें वह योजना की पूर्णता में अपना कुछ योगदान दे सके। शिक्षक को अप्रत्यक्ष रूप से योजना के प्रत्येक प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन करना चाहिए। क्रियान्वयन हो गया। अब हम आप लोगों को जो 3 पॉइंट इसमें बचे हुए हैं इसको जो है हम अपने अगले लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे। और इसमें बचा है मेरिटा प्रोजेक्ट मेथड, टीम मेरिटा प्रोजेक्ट मेथड, ये तीनों टॉपिक जो है हम आप लोगों को अगले लेक्चर में बताते हैं। थैंक यू।